गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आते हैं डायरेक्ट इंट्रो की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। तो आज यार एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो हम करने लगे हैं। तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज ओनली अंडरग्राउंड एक्वेरियम एंड शार्क्स। मतलब एक्वेरियम इंडिया में, मतलब अंडरग्राउंड एक्वेरियम। अंडरग्राउंड या मैंने पहली वो जो एक्वेरियम इस टाइप का होता है ना, जो मतलब समंदर के अंदर बना होता है। हाँ, वो और ये भी लिखा हुआ है इंडिया ओनली। भाई मतलब इंडिया में सिर्फ एक ही है, ओनली इंडिया में एक ही है पूरी। ये मतलब ज्यादा सुना है कभी दुबई शुबई। हाँ उधर होते हैं, मैंने भी सुना है। मतलब दुबई सिंगापुर इन कंट्रीज में काफी है, जापान में। हाँ। अभी देखते हैं पहले वीडियो इंडिया में भी है इसका, मुझे नहीं आइडिया था बिल्कुल कौन सी जगह पे, ये भी पता हाँ। चला कौन सी सिटी। हाँ। तो ट्रैवलिंग पाजी का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, तो काउंट डाउन करते हैं स्टार्ट। किसी को पता भी नहीं है कि ये इंडिया में है और इंडिया में ऐसा और कुछ भी नहीं है, पूरा ऐसा बना रखा है ऐसा सिविलाइजेशन टाइप सा इकोसिस्टम। मल्टी कलर रबर बैंड्स आप सर्च करोगे ना ट्रैवल प्लेसेस इन चेन्नई पे भी नहीं आया। वो शार्क है ये तो पूरा, आई थिंक इट्स अ फ्लीट ऑफ शार्क्स। वाओ, वो जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत वो चीज है ये। गाइस दिस इज वेरी क्रेजी, इंडिया में दुबई के मजे, दुबई के मजे। अंडरग्राउंड एक्वेरियम टाइप सा बना रखा है, एक्वेरियम भी नहीं बोलूंगा, अंडरग्राउंड ओशन बना रखा है। वाओ, वेल मेंटेन्ड, ओनली वन इन इंडिया। आओ चेन्नई, चेन्नई में वन्नकम चेन्नई, ब्यूटीफुल प्लेस यार, ब्यूटीफुल। गाइस हैप्पी न्यू ईयर, सबसे पहले आप सब लोगों को कमेंट्स में सिर्फ 2020। भाई शार्क्स रखी हुई है हर तरह की, हर किस्म की है, हर किस्म। ये देखो चेन्नई में है और इतनी खूबसूरत जगह है, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमारे। सीरियसली मैंने नहीं सुना था ये यार इंडिया के बारे में। इंडिया ऐसी बढ़िया चीज बनी, कमाल है यार, कमाल है। आप वीडियो देखो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये देख कितने प्यारा लगता है यार। भाई दरख्त नहीं था ये पानी के अंदर, एंजल नाम भी है कि फिश का नाम अलग 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 जो भी लगी हुई है। जो लोकेशन है ना वो चेन्नई से आधे घंटे 40 मिनट के रास्ते पे है और 550 रुपीज पर पर्सन इसका चार्ज है। अगर आपको ये देखना है, मतलब स्कूबा डाइविंग करनी है यहाँ पे, तो 3000 रुपीज। अगर आपको वीआर देखना है तो 150 रुपीज और बहुत सारी फलाना ढिमकाना चीजें। ये तो सिर्फ सरफेस है, अभी नीचे जा रहे मेन चीज के लिए। देखो भाई शाकाहारी लोग जब फिशेस देखते हैं ना वो देखते हैं सो क्यूट, मतलब वेजिटेरियन। हाय गाइस हाउ आर यू, हाय गाइस भैया ऐसा मन कर रहा है ना अंदर जाके इनके साथ खेलो, है ना। और पीछे होके देखो ये क्या मस्त इन्होंने वो बना रखा है ना इनके लिए इकोसिस्टम, ये बहुत प्यारी है, वाकई प्यारी है। ओए ओए आवाज दे रहे, ओए फिलहाल तो ये मेरे से एकदम उल्टी घूम रही है। देखो भाई अच्छा इधर जो भी जाता होगा छेड़ ही रहा होगा। मछलियां भी कहती होंगी हम कहां फंस गए। ओए 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 भाई प्यारी है यार, कोई कितनी प्यारी है, अच्छा बना रखा है, बहुत सारी फिशेस की वैरायटीज है, काफी यूनिक बना है। हाय ब्रो, हाय ब्रो, ऐसा लगा हुआ किसी ने नीचे डाल रखा है। देखो नीचे कैसी बेबल बैठी है, लॉट ऑफ फिशेस, यहाँ फिश वहाँ फिश वहाँ फिश, हर जगह फिश, जहाँ देखो जहाँ भी देखो झुमरी तलैया फिशी फिश फिशी फिश फिशी फिश, बहुत सारा फिश। बहुत मस्त जगह भाई बनी हुई है, और इंडिया में सिर्फ एक ही है चेन्नई में। बिल्कुल ये कैसी है, बटरफ्लाई टाइप का फिश है, कॉपर बैंड बटर, अच्छा बटरफ्लाई नाम ही है उसका, बिल्कुल देख बटरफ्लाई जैसी लग रही है। ये क्या है भाई, वो ऐसा लग रहे हैं वो जो रबर बैंड प्यारी है यार, मल्टी कलर रबर बैंड्स। हां ओह सो क्यूट, लग भी बटरफ्लाई जैसी है। उनके लिए जगह भी कितनी जबरदस्त सेट की है, देखा वो ये ग्लास में ना ऐसे पता नहीं चलेगा, एक बार ट्राई कर ऐसे पास आके देख, ऐसे लगेगा ग्लास वो कर रहा है। आजा पास आके ऐसे देख, इसमें कैमरा पे नहीं पता चल रहा है ना। मतलब अच्छा पर अच्छा बना रखा है, लाइक वेल वर्थ द मनी, हर तरह की फिश। ये देखो नाइस यार, ये तो ग्रेट फुल ऐसा लगता है बंदा ओशन में है, एकदम पूरा पीछे जाके इतना प्यारा है, सो ब्यूटीफुल यार। ये तो बहुत सही चीज है यार, कभी भी चेन्नई से पांडिचेरी जा रहे हो या पांडिचेरी नहीं भी जा रहे हो तो बिल्कुल आके देखो,
यहाँ पे शार्क्स भी है पता है, क्लीन पानी है यार, वाकई यार, स्टारफिश बढ़िया कलेक्शन, इनका नाम बड़े मजे का होता है यार, इनका नाम अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, ये वाले देख, ये जमीन के साथ ही रहती है नीचे जाकर एकदम हमला करती है, ये तो वो करंट वाली नहीं, हां हां इलेक्ट्रिक वाली, ओ जोरी भाई, मूवीज में अक्सर हमने देखा है, ऐसे बात करूं रेनबो टाइप सी लग रही है, काफी ड्रावनी है ये, हां वाकई है ना। Guys, now let's find sharks. Main course. ये पानी देख किस तरह जा रहा है, क्या बात है यार, क्या feeling आ रहा है। अब जहाँ जाएगा ना वहाँ पे पानी के अंदर वो बना होगा सारा। बहुत से यार, अब दो घंटे तीन घंटे निकाल के आओ, दो घंटे सारे अलग अलग ना इन्होंने वो बना रखे हैं इकोसिस्टम, ये सीगर टाइप है, क्रैब लग रहा है, ये देख ना पानी देख कितना साफ है, पानी का वो देख, लेयर्स देख पानी का, अंडे तो यहाँ पड़े ऑक्टोपस के, ये रे ऑक्टोपस के सो रहा होगा, आजा लेट्स गो इन द डीप ओशन, डीप ओशन, ओ भाई साहब इट्स गेटिंग क्रेजियर एवरी मिनट, ये चीज भाई गाइस ट्रेजर इज रखे हैं, सो कूल यार किसी को पता भी नहीं है कि ये इंडिया में है, हमें बिल्कुल मेरा थोड़ा दिख नहीं रहा, बट चलो हमने तो वैसे भी वीडियोस में कम देखा है, इन भाई की वजह से हम सारा देख रहे हैं, पूरा ऐसा बना रखा ना ऐसा सिविलाइजेशन टाइप सा, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन, वो डीप, वो पैसेज है, वो क्या है, वो इंडियन ओशन इज होम टू 55 स्पीशीज ऑफ शार्क्स, अच्छा 55, सो गुड यार, वाटर नोज डॉल्फिन्स कैन रीच टॉप टू 32 किलोमीटर पर आवर, अच्छा चेंज हो रहा है देखो, मतलब भाई दिस टनल इज ऑसम, मेन कोर्स आया भाई, ओ वाओ गाइस दिस इज सो क्रेजी यार, भाई ये देखो, और अभी पता क्या है कोविड का टाइम चल रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, मतलब लिटरली हम लोग हैं और कोई नहीं, मस्त है यार, सो ग्रेट, ये देखो ये कितनी प्यारी है, सो ग्रेट, वो देखे आपने, सो ग्रेट यार, एक दफा तो बंदे का जो है ना, मैं पहले सोच रहा था कि इसको हिल जाता होगा, डर भी जाता होगा कि आ रही है भाई ऊपर से क्या, तो मेरे को लग रहा है ये सेपरेट वीडियो होगी, ये वीडियो एकदम मस्त है, अगर आपको फिशेस पसंद है, आपको एक्वेरियम, आपको डीप सी पसंद है, कितना प्यारा लग रहा है यार, वाकई आप अपने कैब ड्राइवर यार, दूसरे ये कि यार बंदा असल फीलिंग ले सकता है कि हम ओशन में नीचे गए हुए हैं यार, वेटिंग का कमाल लग रहा है ना, घंटे का, वन आवर का, ओ वाओ वाओ, ये भाई भी बड़ा एक्साइटेड है, इसे भी पहली दफा देखा है ना, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो आई थिंक वो शार्क है, इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह, देखो सो रही है, मस्त है, क्या हाल चाल है, सोने दो भाई, कितनी क्लियर नजर आ रही है, इसको पता नहीं है, आप सर्च करोगे ना ट्रैवल प्लेसेस इन चेन्नई, कहीं पे भी नहीं आएगा यार, वो तो भला हो किन का, विक्की भाई का भला हो जिन्होंने मेरे को बताया इस बारे में, और मेरा कैब ड्राइवर जो मान गया मेरे को यहाँ पे डिटूर लेके लाने में, मतलब रास्ते में ही पड़ता है, बट थोड़ा सा उसको कन्विंस करना पड़ा, तमिल बोल नाइस, मेरे शार्क, आई वांट टू सी शार्क, ये रही शार्क, ओ अच्छा हाँ ये रही, इतनी लोगों को अच्छी लगती है, इतनी खतरनाक है, ओ ये तो पूरा आई थिंक इट्स अ फ्लीट ऑफ शार्क्स भाई, बड़ी खतरनाक है ये, गई ऊपर, अभी हम लोग हैं टैंक के अंदर और हम देख रहे हैं शार्क टैंक, और अगर मेरे को कोई फंडिंग दे दो गंदे जोक्स मारने की, जोक्स मार देखी, ओए वो वाली देख बड़ी वाली है, वो बहुत सारी शार्क्स है यहाँ पे, लाइक 10-12 तो हम लोगों ने देख ली अभी, 10-12 वाओ, जो आंखों देखी हम लोग देख रहे हैं जो क्लैरिटी के साथ है, एक घंटा बस एक्सपीरियंस करो,
यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। बेसिकली जो मेरे को समझ आया ना, 550 रुपीस की टिकट देते हो, ऊपर एंट्री होती है, एंट्री में आपका पहले ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है, उस पर यहाँ का लगा दोगे, वो बैकड्रॉप लगा देंगे, और आपको अगर फोटो चाहिए तो उसके चार्जेस है। वीआर वाला है वो मत लेना। स्कूबा डाइविंग आप कर सकते हो, बहुत क्रेजी रहेगा, हम लोग अभी कर नहीं रहे बिकॉज हम लोग थोड़ा मशीन वाला स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, लाइफ फिटनेस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। और बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग बीचेस वाली फिशेज, बहुत सारी फिशेज है, मतलब बहुत बहुत वैरायटी है, मजा है। अब बोल ही नहीं जा रहा, ऐसे छोटा सा वीडियो बना बट ये चीज जो है ना, ये चीज मतलब जिसे कहते हैं ना, वो जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, लोगों को पता चलना चाहिए कि इंडिया में इस लेवल की चीज बनी है। आप लोगों को रहता है भाई दुबई, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, यूके, यूएस, अपने इंडिया के अंदर एक्सप्लोर करो, ये सारी चीजें किसी को घंटा नहीं पता, फैलाओ ये सारी चीजें, इन सब चीजों की क्या कर रहे हो, वाओ यार कितना। 550 रुपीज़ इज वॉट पेनीज, आई थिंक $8 होता है, $8 बाहर जाओगे इतना मोटा पैसा भी खर्च नहीं यार। क्या हाल है दोस्त, दुबई वगैरह में जाओ ना, यही तुम देख कर भाई डबल ट्रिपल टॉप 10 पैसा लेंगे। गो इन चेन्नई, टॉप 10 प्लेसेस टू डू इन पांडिचेरी, ये बीच आएगा, वो आएगा, ये रेस्टोरेंट, वो अम्यूजमेंट पार्क, ये नहीं होगा, जगह पॉपुलर क्यों नहीं हो रही हमारी मैं एज अ क्रिएटर आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये चीजें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोविड खत्म होने के बाद यहाँ पे आओ और इनकी अवेयरनेस फैलाओ, पॉपुलैरिटी बढ़ाओ इन चीजों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बिल्कुल, इसी के साथ ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लास्ट में इसने काफी अच्छी बात की, कुछ ऐसी प्लेसेस होते हैं जो हम एज अ मतलब कंट्रीमैन, जो मतलब बंदे हैं, वो हमें खुद नहीं पता होता कि इस तरह जगह भी है वाकई। और ये हम हमेशा सोचते हैं कोई, हम देखेंगे दुबई जाके देखेंगे, ये देखेंगे वहां पर देखेंगे, कैप्सूल होटल देखेंगे, जापान जाएंगे। अच्छा, तो ये सब कुछ इंडिया में है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम ये सोच कर जाते हैं ना कि यार चलो हम दुबई घूम फिर के आएंगे, ये जगह देखेंगे, एक्वेरियम जाएंगे, उधर इस तरह की चीजें हैं, जो आपको अपने कंट्री में वो चीजें मिल रही है, हर तो चीज इंडिया में, इंडिया में हर चीज। तभी हमने इस वीडियो पर एक्ट किया कि मतलब लोगों को मतलब पता लगे कि यार इंडिया में ऐसी चीजें पड़ी हैं। बिल्कुल, आप लोग दूर जाने की जरूरत नहीं है इसको, मतलब अगर आप सपोर्ट दोगे ना तो डेली कितनी और यार 550 रुपए में आप दुबई के मजे ले रहे हो, बल्कि दुबई से ज्यादा भाई, इतने क्लास कुछ चीज। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आपका सारा पैसा है वो आपके मुल्क में जा रहा है, आपके मुल्क को फायदा होगा, इकॉनमी आपकी बूस्ट, इकॉनमी आपकी बूस्ट यार। आप लोगों से कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना कि किस किस को इस जगह का पता था, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, मेरे ख्याल से नहीं पता, नहीं पता। बिल्कुल, हमें पहली दफा देखो, फर्स्ट एक्वेरियम और इस लेवल पे बना हुआ है, मतलब ये सोच के बंदा हैरान होता है कि किस लेवल पे इस चीज को। कमाल का यार, हर किस्म की मुख्तलिफ किस्म की फिशेज हैं, शार्क्स हैं, मतलब ऐसी ऐसी फिशेज हैं जिनका हमने पहली दफा भी देखा है। यानी यही समझो कि आप एक सी में हो, नीचे मतलब आप सी में आप चल रहे हो, मतलब आपका सांस आप ले रहे हो बस सी में, और ये तुम जा रहे हो, ये और यहाँ पानी कितना साफ है। और मेरे ख्याल से डेली, और उन्होंने जो जिस तरह मतलब जिस माहौल में रहना पसंद करती है, उस तरह की मतलब उधर की हुई है डिजाइनिंग, देखा तो उन्होंने भाई, ये बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी चीज है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वीडियो, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये इस तरह पता लग रहा है कि अभी मैं आज से पहले तो मैं खुद देख रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी यार, मैं देख रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है कि इंडिया में इस लेवल की चीजें बनी हुई हैं। बिल्कुल, जिसका हमें मतलब आज तक आईडी हमें नहीं था, तो आपको सॉरी आपको नहीं था तो हमको दूर की बात है। काफी सारे ऐसे हमारे भाई होंगे, दोस्त होंगे जिनको नहीं पता, अभी तक भी नहीं पता होगा कि ये चीज है इंडिया में। यानी आप ये गूगल भी करो तो उसमें भी ये मेरे ख्याल से वो मतलब नहीं दिखाते, टॉप 10 वो उसमें नहीं दिखाते। तो यार ये मतलब ऐसी है, इसको विजिट करो, मजे करो और इंजॉय करो। सीरियसली इधर होती ना मैं खुद जाता है, खुद जाते सही बात है। तो यार इतनी इंजॉयमेंट वाली वीडियो थी, मजा आया देखकर। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।